HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश में आज भी लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और इसका सच आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये घटना पंजाब के पटियाला शहर की है। इसमें देवर अपनी भाभी को दोस्त के साथ मिलकर हॉकी से पीट रहा है। बेटी को जन्म देने और ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर उससे मारा जा रहा था। ये मामला पटियाला के डिवीजन नंबर 2 थाना क्षेत्र के नाभा गेट का है, जहां गुरुवार को एक महिला के देवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी की हॉकी से जमकर पिटाई की। इस घटना में महिला का पति भी शामिल था। जब देवर और उसका दोस्त इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तब किसी ने अपने मोबाइल से पिटाई का वीडियो बना लिया था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला का देवर उसे बेरहमी के साथ पीट रहा है। वो और उसका दोस्त लगातार हॉकी से महिला की पिटाई कर रहे हैं। उस दौरान महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर उन दोनों ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। पुलिस के मुताबिक महिला की पिटाई करने वाले आरोपी देवर और उसके साथियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि महिला का पति अभी फरार है। पीड़ित महिला के परिजनों ने बताया कि इस हमले में महिला के हाथ की अंगुलियां और घुटने की हड्डियां टूट गई हैं। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार पीड़ित महिला का विवाह 2 साल पहले हुआ था। तभी से उसके ससुराल वाले उससे बार बार दहेज की मांग करते थे। इसी मांग के चलते महिला को अक्सर पीटा जाता था।